हेलो दोस्तों, एके इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो रहने वाला है, हमारे पास एक सैमसंग का एक हैंडसेट है, S10 Plus है। ये हैंडसेट में डेड आया हुआ है मेरे पास। अभी हम इसका ट्रेसिंग देखते हैं कि इसमें ट्रेसिंग कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे इसका रिपेयरिंग होता है, कैसे कैसे यहाँ पर फॉल्ट हम ढूंढते हैं। आप ये सब चीज़ देखिए। देखिए, सबसे पहले आपके पास अगर हैंडसेट आता है तो आप सबसे पहला काम जो है इसको एनालाइज किया कीजिए। बोर्ड को एनालाइज में देखा कीजिए कि कहीं पे कुछ, देखो यहाँ पे जला हुआ दिख रहा है, देखो वाटर डैमेज भी दिख रहा है, जला हुआ भी है। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो ये बैटरी कनेक्टर है हमारा, देखो यहाँ पे भी वाटर डैमेज जैसे दिख रहा है, यहाँ पे भी वाटर डैमेज दिख रहा है कैपेसिटर। ये हमारा वाईफाई आईसी है। अब हम यहाँ से देखते जाते हैं, सील्ड उतरा हुआ है इसका। इसके दूसरी साइड जो है वो हम एनालाइज कर रहे हैं। ये इसका सीपीयू और रैम है, इसका एमएमसी है। इधर एनालाइज में हमने देख के ये पता चला कि ये हैंडसेट जो है वो वाटर डैमेज है। ठीक है जी, वाटर डैमेज है। तो देखो मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये हमारा जो हैंडसेट है वो S10 Plus है। अभी यहाँ से आप देखोगे बैटरी कनेक्टर, तो यहाँ से अगर क्लिक करके देखोगे बैटरी कनेक्टर से, तो आपको यहाँ से जो लाइन है वो देख सकते हो, वो इस आईसी में जा रहा है, यानी कि चार्जिंग आईसी में जा रहा है। ये बीवेड लाइन है, चार्जिंग आईसी के अंदर जा रहा है। और इस फ्यूल गेज रजिस्टर के अगली साइड से चेक करेंगे तो ये भी हमारा चार्जिंग आईसी में ही जाएगा। तो ये चार्जिंग आईसी में इनपुट हो गया ये कैपेसिटर के द्वारा। अब यहाँ से इस कॉइल के थ्रू, जब देखोगे ये स्विचिंग कॉइल है इसका, इस कॉइल के थ्रू यहाँ से आउटपुट हो रहा है। आउटपुट आपको पता होगा कि एलेक्स के नाम से ही आउटपुट होता है, सैमसंग में एलेक्स होता है, चाइनीज में SW या BSW के नाम से आउटपुट होता है। अब यहाँ से चेक करोगे तो आपको देखो एक छोटी सी ये आईसी में जा रहा है कनेक्शन, ये इसका MMC है। और देखो तो इधर के छोटे छोटे आईसी में जा रहे हैं कनेक्शन, और देखो तो ये आईसी में जा रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सब बोर्ड के पास, चार्जिंग जैक के पास एक आईसी लगी है, यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है। और बोर्ड के दूसरे साइड में बात करूँ तो इस आईसी में भी कनेक्शन जा रहा है। तो ये हमारा इसके अंदर बीवेड लाइन बोल रहा है, लेकिन ये चाइनीज हैंडसेट के अंदर जो है BPH लाइन के नाम से मिलेगा। तो इतने सारे कैपेसिटर पे भी ये BPH लाइन जा रहा है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको ना हम बोलते हैं प्राइमरी लाइन। देखो ये वाईफाई आईसी है, ये वाईफाई आईसी के पास भी जो कनेक्शन जा रहा है ये भी प्राइमरी लाइन है। तो सैमसंग के हैंडसेट में जो वाईफाई आईसी होता है उसके अंदर बीवेड लाइन को हम BPH बोलते हैं, वो लाइन आएगा। लेकिन चाइनीज वगैरह के हैंडसेट में आपको बीवेड या BPH लाइन नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको ट्रेसिंग जो समझना चाहिए कि सैमसंग बोर्ड कैसे काम करता है और चाइनीज हैंडसेट कैसे काम करता है, इसका सर्किट के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दोस्तों प्राइमरी लाइन चेक करने के लिए हमें सील्ड उतारने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें देखना है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है, तो ये तो हमेशा ऑलरेडी आपको बाहर ही देखने को मिलेगा। अब जरा देखो ये वाईफाई ऐसी है, ये बाहर ही देखने को मिलेगा। तो हमें BPH लाइन चेक करने के लिए सील्ड उतारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको DC सप्लाई पे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे करंट देंगे, यहाँ पे करंट देंगे। तो दोस्तों आपको पता है जितने जगह यहाँ पे आप देखोगे कनेक्शन ब्लिंक कर रहा है, जितने जगह आपको दिखा रहा है इतने जगह पे वोल्टेज पहुँच जाएगा। अगर इसमें से कोई भी लाइन गड़बड़ हुआ तो हमारा DC सप्लाई जो वो ऑटो करंट लेना स्टार्ट कर देगा, तो हम समझ लेंगे इस लाइन के अंदर दिक्कत है। अगर ये ऑटो करंट नहीं लेता है तो ये सारे लाइन को चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये लाइन ठीक होगा। फिर हमारा सेकेंडरी लाइन होगा जो कि बक लाइन होता है, LDO लाइन होता है, ये हमारा सेकेंडरी लाइन होगा। ओके, बक लाइन और LDO लाइन जो हमारा सेकेंडरी लाइन होता है, बाकी का जो अभी आप चेक कर रहे हो BVAT BPH ये हमारा प्राइमरी लाइन होता है। बहुत से टेक्नीशियन का एक जो है कंफ्यूजन रहता है कि प्राइमरी लाइन क्या होता है, सेकेंडरी लाइन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी आप हैंडसेट में बैटरी लगाइए, जहां पे भी बैटरी का वोल्टेज आता है वो आपका प्राइमरी लाइन होगा। और चार्जर लगाइए, जहां बैटरी से कम वोल्टेज आएगा वो आपका सेकेंडरी लाइन होगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, DC सप्लाई को एक बार कनेक्ट करता हूँ बैटरी कनेक्टर पे। देखो ये बैटरी कनेक्टर दिख रहा है, यहाँ पे DC सप्लाई का आपको यूनिट अभी 0-0 ही आ रहा है। मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, ये माइनस हमारा, देखो यहाँ पे ऑटो करंट 48 ले रहा है, 48 ले रहा है। तो
और बीपीएच में कितना ले रहा है, तो बीपीएच में यहाँ पे भी चेक कर सकता हूँ कैपेसिटर पे, क्योंकि हमारा बीपीएच लाइन है। देखो यहाँ पे ज़्यादा शॉर्टिंग है, कहने का मतलब है कि भाई साहब बैटरी कनेक्टर पे जो हमारा है वो शॉर्टिंग जो है 48 मिली करंट ही दिखा रहा है बिफोर पावर, लेकिन अगर हम बीपीएच लाइन की बात करें तो वहाँ पे हमारा 3 एम्पियर अभी हम दिए, तो इस वजह से 3 एम्पियर का शॉर्टिंग बता रहा है, नहीं तो ये 5 एम्पियर भी जा सकता है। तो प्राइमरी लाइन हमारा शॉर्टिंग है, प्राइमरी लाइन में कौन सी लाइन शॉर्टिंग है, वो है बीबेट नहीं बीपीएच। तो बहुत सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं, मल्टीमीटर उठाते हैं, वो बैटरी कनेक्टर पे जीआर चेक करते हैं। अभी मैं देखो आपको पता चल गया कि शॉर्टिंग है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे जीआर चेक करके दिखाता हूँ। देखोगे रिवर्स में आ रहा है 570 ओके है, फॉरवर्ड भी देखो 1000 प्लस, यानी कि बोर्ड शॉर्ट है, फिर भी इसका बीपीएच लाइन यानी कि बीबेट लाइन ओके बता रहा है। ये एक्चुअली आपको सैमसंग बोर्ड में ऐसे ही देखने को मिलेंगे, जब भी आपके पास सैमसंग का हैंडसेट आए तो दोस्तों आपको दो जगह जीआर जरूर चेक करने हैं। इसी वजह से मैं अपना स्टूडेंट को अपने क्लास में एक एक डिटेल, एक एक सर्किट बड़ा ही डिटेल में समझाता हूं, ताकि वो बैटरी कनेक्टर पे इतनी ज़्यादा भरोसा ना करे, क्योंकि ये यहाँ से सिर्फ आपको चार्जिंग आईसी कनेक्ट है, अगर चार्जिंग आईसी से बैटरी कनेक्टर के बीच लाइन अगर ठीक हुआ तो इसका मतलब आपका शॉर्टिंग नहीं लेगा। अगर हमारा चार्जिंग आईसी के आगे जाके शॉर्टिंग है तो आपको यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं बताएगा। तो यहाँ पे जीआर ओके बताने का मकसद यह है कि हमारा जो इस मोबाइल में शॉर्टिंग है वो चार्जिंग आईसी से आगे के तरफ है, यानी कि चार्जिंग आईसी से पावर आईसी के बीच है। ओके, अब देखो मैं यहाँ बीपीएच लाइन पे जीआर चेक करता हूँ, देखो अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है। देखो यहाँ पे 003 दिखा दिया, जबकि यहाँ पे 200 प्लस आना चाहिए था। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, अब हम फॉरवर्ड चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 003 दिखा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में एक बात बताओ, तो आपको कौन सी लाइन फॉल्टी मिला, बीबेड या बीपीएच? क्योंकि हमने यहाँ जो चेक किया वो किया बीबेड, और यहाँ जो चेक किया वो किया बीपीएच। देखो मैं एक बार और डायग्राम में दिखाता हूँ, हमने सबसे पहले बैटरी कनेक्टर पे चेक किया, ये हमको ओके मिला। ये ओके होने का मतलब क्या है कि ये जो कंपोनेंट लगे हैं 1 2 3 4 5 और 5, ये आईसी जोड़ लो 6, अब इसके हम अगली साइड से जोड़ लेते, एक कैपेसिटर और मिलेगा देखने का चार्जिंग आईसी के पास, 6 7, ये 7 में से कोई शॉर्टिंग नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है, अब हमारा कहाँ पे शॉर्टिंग मिला जी? देखो यहाँ से आउटपुट हुआ, मैं कहाँ पे चेक किया था, वाईफाई आईसी के पास, इस कैपेसिटर पे, इस कैपेसिटर पे चेक कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं बीपीएच लाइन चेक कर रहा हूँ, जो चाइनीज हैंडसेट में होता है, सैमसंग में आपको बीबेट के नाम से मिलेगा देखने को। अब इसमें से आप देखो कितने सारे आईसी लगे हैं, कितने सारे कंपोनेंट लगे हैं, इसमें से कोई भी एक शॉर्ट हो सकता, कोई भी एक शॉर्ट हो सकता है। बहुत से टेक्नीशियन क्या करते हैं, पूरा रोजन पेस्ट दोनों तरफ एकदम लगा देते हैं, देखते हैं कहाँ पे गर्म हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो आपको मैं एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ, आप क्या कीजिए, डीसी सप्लाई को सीधा कनेक्ट करके, क्योंकि ये 200 मिली करंट से ज़्यादा है तो ये गर्म होगा, और गर्म होगा तो इसके लिए हम हीटिंग चेक कर लेंगे कहाँ पे गर्म हो रहा है। पावर आईसी के पास एक फिंगर रख लें, और आपको जो वाईफाई आईसी के पास जहाँ हमने जीआर चेक किया था वहीं पर आप शॉर्ट किलर दें। ये बीपीएच में मैंने क्या किया, एक फिंगर पावर आईसी के पास रख दिया, एक इसके पास रख दिया, यानी कि जहाँ जहाँ हमारा जो है बीपीएच लाइन जा रहा है वहाँ वहाँ एक एक फिंगर रख दे, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे हीट हो रहा है। तो मैंने अभी जब देखा ना, मुझे इस एरिया में गर्म हो रहा है, देखो इस एरिया में गर्म हो रहा है, अब इस एरिया में कहाँ हो रहा है, क्योंकि ये देखो ये लाइन तो हमारा सेकेंडरी है, कॉयल वाला सेकेंडरी है, एलडीओ भी होगा, ये बीच वाली जो है ना वो हमारा प्राइमरी लाइन होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेकेंडरी लाइन पर रोजन लगा के कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमारा शॉर्टिंग कौन सा है, प्राइमरी लाइन में। अगर हमारा प्राइमरी लाइन शॉर्ट है तो हमें भाई साहब सेकेंडरी लाइन पर रोजन लगा के क्या मतलब बनेगा, कोई मतलब नहीं बनता है। मैं यहाँ पे शॉर्ट किलर दूंगा और जरा देखते हैं कि क्या हीट हो रहा है, कुछ हुआ? मैं अभी 3 एम्पियर पे काम कर रहा हूँ, अगर मैं इसी फाइंड इसी प्रॉब्लम को अगर मैं 5 एम्पियर पे फाइंड करूँ, अब बहुत सारे जने का ये क्वेश्चन होता है, सर जी मैं एम्पियर 5 दूंगा तो क्या होगा? अभी आप देखो मेरा एम्पियर जो है यहाँ पे 3 सेट किया हुआ है, अब मैं 5 देता हूँ, अब देखो इसी फॉल्ट का क्या आरोप होता है, और पिघलने का स्पीड ना बहुत तेज हो जाएगा। हुआ वोल्टेज उतना ही, 5 एम्पियर देने से क्या हुआ, काफी तेज पिघलने लगा। अब मैं देखो यहाँ पे 3 कर देता हूँ, 3 में क्या होता है, अब ये देखना, उससे थोड़ा स्पीड कम हुआ। अगर मैं 5 दूंगा बहुत तेजी से पिघलेगा ये, कहने का मतलब अगर मैं 2 दूंगा इससे और थोड़ा स्लो हो जाएगा, 1 दूंगा इससे और ज़्यादा स्लो हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर जी बिल्कुल नहीं देंगे तो क्या होगा, बिल्कुल नहीं पिघलेगा।
समझ रहे हैं? तो हम जो एम्पियर देते हैं क्या, सर्किट पर लोड डालते हैं, कितना एम्पियर का लोड डाल रहे हो, देखो कौन सा गर्म हो रहा है दिखा। तो एक काम करते हैं हम इसको रिमूव कर लेते हैं, रिमूव करते हैं इसमें बड़ा ध्यान से रिमूव करें क्योंकि आईसी है, आईसी ना टूट जाए। अच्छा अभी मैं डीसी सप्लाई बंद कर दिया हूँ क्योंकि मैं अगर मेरा कॉइल पे अगर टच हो जाए तो सीपीयू उड़ जाएगा, जिसके वजह से मैं अभी डीसी सप्लाई को बंद कर दिया हूँ, यानी कि एम्पियर इससे आउट नहीं हो रहा है। अब मैं वापस चालू कर रहा हूँ, अब देखते हैं कितना मिली करंट ले रहा है, जीरो ले रहा है, जीरो ले रहा है। तो कहने का मतलब है एक बार जो है हम यहाँ पे जीआर चेक करते हैं बैटरी कनेक्टर से कि क्या जीआर ले रहा है। पहले 003 ले रहा था, हमारा बीपीएच का जीआर कितना होना चाहिए, 200 प्लस, देखो अब हो गया 287 हो गया। अब हम फॉरवर्ड चेक कर रहे हैं, देखो 1000 प्लस चला गया। तो कहने का मतलब है कि जो इसका शॉर्टिंग था वो क्लियर हो गया। अब इसको हम देखते हैं एक बार बोर्ड में लगा के क्या स्थिति है। चाहे इसका बैटरी तो डिस्चार्ज होगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं इसका बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं। देखो बैटरी पूरा इसका डिस्चार्ज है, तो हम बैटरी को एक बार जो है बूस्ट कर लेते हैं। बैटरी जो है डिस्चार्ज होने का मतलब क्या बनता है, शॉर्टिंग। देखो ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, 3.6 हो गया। चालू हुआ क्या? चार्जिंग चल रहा है, दिख रहा है? तो देखो चालू हो गया। तो देखा कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, इसमें सिर्फ मिली करंट का शॉर्टिंग था और हमने चेक किया डीसी सप्लाई से तो बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग बताया, लेकिन मल्टीमीटर से चेक किया तो शॉर्टिंग नहीं बताया। तो हम बीपीएच लाइन में चेक किया तो वहाँ पे शॉर्टिंग था। तो जब भी आपके पास सैमसंग का हैंडसेट आए या इस मॉडल आए, ये वाली मॉडल आए, तो आप इस तरीके से चेकिंग करोगे तो आपका प्रॉब्लम जरूर से जरूर सोल्यूशन होगा। इसमें देखो जितना इसमें अंदर फॉल्ट था मैंने 1% भी नहीं छुपाया, मैंने डायग्राम पे भी इसको बताया कि देखो भाई ऐसे ऐसे कनेक्शन जाता है, ठीक है? तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।